डांस के सबसे बड़े मंच पर फिलहाल 8 लिटिल मास्टर्स जमे हुए हैं। सुपर 10 में अपनी जगह एकदम पक्की कर चुके हैं, लेकिन आगे का सफर बहुत ही मुश्किलों और चुनौतियों भरा होने वाला है। अभी मैं टॉप 8 में आ गया हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं इतने बड़े मंच पे इतनी आगे तक आऊँ। बहुत अच्छे अच्छे डांसर बचे, सब टक्कर के हैं। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले हफ्ते से जनता के ऊपर हम हमारा निर्णय छोड़ देंगे। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि हमें बहुत सारी वोटिंग्स मिले और पूरा ग्रुप फाइनल्स में आ जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉप 8 में आऊँगी, और वो मेरा सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे। मैं अभी टॉप 8 में हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बोल नहीं सकती, इतना अच्छा लगता है। आगे का सफर वोटिंग राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा डर लगता है कि अगर एलिमिनेट ना हो जाऊँ। मेरा खुद का बहुत सपना है कि मैं फाइनल्स तक जाऊँ। अगर विनर ना भी हुई तो भी चलेगा, पर फाइनल्स तक जाना मेरा एक सपना है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सपना पूरा होए। मैं फाइनल टॉप 8 में आ गया हूँ, बहुत खुशी होती है, और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे तक जाने के लिए। जय सर ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत किया है टॉप 8 तक पहुँचने के लिए। फिलहाल 4 में से 3 तो टॉप 8 में आ गए हैं, उनके लिए सफर बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, और उनके लिए ही नहीं, जो एक बार हो गया है वत्सल, उससे भी वो भी उतना ही डिफिकल्टी से गुजरा है। ये मेरे चारों बच्चे अब तक साथ में रहे, तो मुझे लगता है कि इसी तरह मैं उनके परफॉर्मेंस देता रहूँगा, और इसी तरह से मेरे बच्चे परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे। जनता को मैं कहूँगा, प्लीज़ उसे ही वोट कीजिए जो आपको बेस्ट डांसर लगे, और जो लगे कि वो फाइनल 10 को डिजर्व करता है। टॉप 8 में आया तो उसके लिए खुशी की भी बात है, उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ी हम लोग को, और कंपटीशन इतना हार्ड डेंजर होते जा रहे हैं ना कंपटीशन, कि हमको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। पूरा इंडिया भी जज करेगा कि कौन इस शो में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। जो अच्छा करेगा वो बना रहेगा, जिसका दिन नहीं होगा वो निकल जाएगा, बाकी सब आपकी कृपा और ऊपर वाले का आशीर्वाद। अभी बहुत खुश हो गए हम कि टॉप 8 पर पहुँचे। डर भी लग रहा है थोड़ा सा कि अभी कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाली है, तो अभी आप जनता फैसला करेगी। अभी वोटिंग भी चालू होगी, तो डर हो रहा है कि किसको ज़्यादा वोट मिलेगा और वो नंबर 1 पर जाएगा। जैसे धर्मेश्वर 1 पर थे तो उनको बहुत खुशी हो रही थी, अभी बस वोटिंग का कब नंबर 1 पर जा सबको हो रहा है। टॉप 8 में आके कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि अभी वाइल्ड कार्ड वाले भी आने वाले हैं, तो बहुत टफ होने वाला है कंपटीशन। मगर मैं अम्मूजी को बोलने वाली हूँ, आप टेंशन मत लो, काय को टेंशन लेते हो, हम ग्रैंड फिनाले तक जाके आएंगे। अभी मुझे बहुत विश्वास हो रहा है अपने आप पे, अभी मैं सबसे बेस्ट हो गई हूँ, और मैं अभी फेमस भी होने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैंने बैनर्स लगने वाले फुल इंडिया में। मैं टॉप 8 में आ गया, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत मेहनत करके टॉप 8 तक आया। वो बाकी बच्चे बहुत टफ है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, डांस भी बहुत अच्छा करना है जज के सामने। जहाँ हाथ डाला वहाँ पार डाला। बहुत मेहनत करके मैं अभी टॉप 8 में आ गई हूँ, तो अभी पता चला कि टॉप 8 में आने के लिए इतना मेहनत लगता है, टॉप 10 में जाने के लिए कितना मेहनत लगाना पड़ रहा है। बहुत बहुत मेहनत करनी है।